विधानसभा चुनावों में अपने समाज को प्रतिनिधित्व दिलाए जाने के उद्देश्य को लेकर जत सिख भाईचारा समाज की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में जत सिख समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। जत सिख समाज के लोगों का कहना है कि सिरसा की पांचों विधानसभा में लगभग 2 लाख जट सिख समाज के मतदाता हैं, लेकिन उनके समाज को किसी भी राजनीतिक दल से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसलिए अपने समाज की तरक्की और प्रगति के लिए राजनीति में भागीदारी जरूरी है और जो भी राजनीतिक दल उनके समाज को प्रतिनिधित्व देगा या इस बात के प्रति आश्वस्त करेगा जत सिख भाईचारा समाज उसी दल के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। अज का जो मेन मकसद सम्मेलन का है जट सिख बरादरी इकट्ठे कर और जट सिख बरादरी उचित प्रतिनिधित्व ना मिलन का कारण है। जट सिख बरादरी के हर एक मैंबर के दिल के टीस सी कि असी 2 लाख जनसंख्या होने दे सरसा जिले के सारे विधानसभा हल्कों को मिला के जट सिखा की गिनती सब तो ज़्यादा है, लेकिन अज तक किसी भी जट सिख किसी भी पार्टी वालों प्रतिनिधित्व नहीं दिता गया। तो सारे जिहड़े जट सिख नौजवान प्रतिनिधि है जिहड़े नौजवान पीढ़ी है खास करके वह महसूस कर रही है कि साढ़े नाल न्याय नहीं हो रहा। उसनू लैके जो असी अज मुहिम चलाई है सिर्फ 2 दिनों की फोन कॉल ते और वट्सएप मैसेज ते ही साडा अज दा एडा वड्डा जो इकट्ठ होया वह दर्शा रहा है कि आने वाले विधानसभा इलैक्शनां दे विच जट सिख बरादरी एक बहुत वड्डी भूमिका निभाऊगी और आपदे हक के उपर उजागर करके उसते आपदा हक जताऊगी। हम सिर्फ भाईचारे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जितने दूसरे उम्मीदवार हमारे खड़े हैं उनमें से अगर कोई भी कामयाब होता है जो हमारे साथ आता है तो उसके साथ हम उनका साथ देंगे और दूसरे को जैसे भी उनके साथ जोड़ना पड़ा हम जोड़ने का काम करेंगे। अपने भाईचारे को आगे लाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए मकसद तो एक ही है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी जो जट भाईचारा है उसकी जो वोट कितनी है हमारे इस एरिया में, और कुछ देर से अभी पता चला कि हमारी 2 लाख से ज़्यादा वोट्स हैं और हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारी इतनी वोट्स हैं तो अगर हम इकट्ठे हो सके इकट्ठे होकर किसी भी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी है उसको हम रिक्वेस्ट करें कि अगर हम आप हमें नुमाइंदी देते हैं हमारे जट भाईचारे को किसी को भी तो हम आपके साथ हैं, और ये भी ज़रूर है कि अगर हम इकट्ठे हैं तो हमारी वोट्स इतनी है कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकेगा। तो ये इसी सोच के साथ लेकर हम ये जट भाईचारा की तरफ से ये कोशिश हुई है कि जो भी पार्टी हमारे किसी जट भाईचारे के लोगों को नुमाइंदगी देगी हम उसका साथ देंगे, क्योंकि आजकल के जो माहौल है उसमें हमारी इतनी बड़ी गिनती होने के बावजूद आज तक हमारा कोई नुमाइंदा नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी सोच है, मैं समझता हूँ सब कोशिश करते हैं और जट भारत भाईचारा की तरफ से ये जो शुरुआत हुई है मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो शुरुआत नहीं हुई किसी ने सोचा नहीं इस बारे में, तो ये जो जट भाईचारा जो एसोसिएशन है इसमें से ये सोच निकली है कि क्यों ना हम एक ऐसा अपना एक एसोसिएशन बनाएं, लोगों को इकट्ठा करें ताकि हमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नुमाइंदगी मिले। तो वहाँ से जो बात शुरू हुई बड़ी छोटी सी शुरू हुई थी, लेकिन जिस तरह से जो रिस्पांस लग रहा है तो लगता है कि हम कहीं ना कहीं पहुँचेंगे।